गुड इवनिंग, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच दोस्तों, सत श्री अकाल जी, क्या बात है, क्या बात है जी, सत श्री अकाल जी, ऐदा का मजा, ऐदा का एनवायरमेंट मैं पूरे वर्ल्ड च किसी मीटिंग च नहीं देखा, पंजाब इज नंबर वन, क्या बात है जी। ये शाम खत्म होने जा रही है, बड़ी देर तो, बड़ी दूर दूर तो फ्रेंड्स आए हुए ने, और एंड तक इन्नी एक्साइटमेंट, किस तरह सारे आप खड़े हैं, इस चीज का प्रूफ है कि पंजाब दे विच शेर रहिंदे ने शेर, क्या बात है जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। काफी सारे दोस्त शायद फर्स्ट टाइम आए, मैं देख रहा सी, बहुत सारे नवे दोस्त आए हैं, सारे का बहुत बहुत वेलकम। मैं शॉर्ट च थोड़ा जिहा आपके बारे दसना चाहवागा, मेरा नाम मनदीप कंबोज, मैं फिरोजपुर सिटी का रहने वाला, क्या बात है जी। बहुत सारे शेर फिरोजपुर जलालाबाद तो इतने प्रेजेंट ने, और उस पवित्र धरती का पानी जिद ना मेरा खून बनया, बड़ा जोश भर दिता है जो मैं सोचता कि मैं उस धरती का रहने वाला, बड़े सुपने उत्थे लै, बी कॉम किए उत्थे आर एस डी कॉलेज चो, बी कॉम तो बाद बड़े वे वे सुपने, बड़ी वीडी वीड्डी प्लानिंग, सिटी छोटी सी पर मेरे सुपने बहुत व्डे, मैं चाहता स मैं अपनी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज कर दाँ। फादर साहब ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, अज मैं जिथे भी हाँ, जिथे भी पहुंचा, उस सब तो जोड़ा व्डा रोल मैं समझदा मेरी लाइफ के हीरो मेरे फादर साहब, जेडे अज तक भी एज ए गाइड, एज ए मैंटोर, ग्रेट सोल, परमात्मा नाल जुड़े हुए आत्मा ने, उन्होंने बड़े अच्छे आचरण दिते, बड़े अच्छे संस्कार दिते लाइफ च अगे वधन दे लई, परमात्मा नाल जुड़े रहने का सब तो वधिया रस्ता दस्या। बी कॉम तो बाद मैं एम बी ए की, एम बी ए करके मैं बहुत सीनियर लैवल दिया जॉब दे विच सी, फैंसी डेजिनेशन जिन्हों आप कहने, लोग ड्रीम करते हैं उदा दिया जॉब, मैं काफ़ी सारी टॉप एम एन सीज, मैं आई स्टार्टड माई करियर विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दैन मेटलाइफ अमेरिका, दैन ए आई जी अमेरिकन कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके विच काम कर रहा सी, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस दे विच, और एज ए रीजनल हैड फॉर नॉर्थ पंजाब हरियाणा हिमाचल जे एंड के मैं हैड करता सी, पैकेज बड़ा अच्छा सी, सब कुछ अच्छा सी, बट मैं एक चीज़ मन दे विच बिठाई सी कि मैं अपना बिजनेस करांगा, उसके लिए मैं बड़िया सारे ऑप्शन पहले देख चुका सी, बड़िया ही ऑप्शन जो मेरे सामने कोई भी चीज़ आती सी, मेरी हैबिट सी उन्होंने स्टडी करना कि शायद मैं ये कुछ मिल जाए, शायद ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बन जाए, सो बड़ा डीपली स्टडी करते रहना करते रहना, और बहुत सारिया चीज़ों स्टडी करने तो बाद 2009 फिफ्थ मे न मैं डिसीजन लिया कि मैं लाइफ के फॉरएवर एंटर होना, फॉरएवर एज ए बिजनेस अपनाना, तो जो एम एन सीज वो पैकेज वो सारा कुछ बड़ा अच्छा सी, बड़ा फैंसी सी, तकरीबन 1.25 लाख के आसपास मंथली सैलरी प्लस इनसेंटिव और बहुत कुछ सी, और उस टाइम पर जो मैं डिसीजन लिया तो एक टफ डिसीजन सी, क्योंकि फैमिली भी थोड़ा जहा अपोज करती, उन्होंने लगता कि 8-10 साल मेहनत करके एम बी ए करके बच्चा जिथे पहुंचे, ये कह रहा कि मैं सब छड़ के जीरो तो कोई नवा बिजनेस शुरू करांगा और जॉब छड़ दांगा जिथे मैं पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे को, ईवन मेरे सीनियर्स भी कई मैं इंटरव्यू देने उत्थे आते सी, और वो कहते कि तू बहुत अच्छा सैट हो गया, तू बहुत अच्छी जगह पर पहुँच गया, तो पेरेंट्स में भी इस चीज़ का बड़ा अच्छा फील हुंदा सी, तो मैंने फिर लास्ट उन्होंने प्रॉब्लम यह बन गई कि असी बड़ी टौर ना कहने कि साडा बेटा बड़ी अच्छी पोस्ट है और तू डिसीजन लै रहा कि मैं छड़ रहा, 10 साल मेहनत करके जिथे मैं पहुंचा मैं छड़ के एक बिजनेस नू जीरो तो शुरू कर लग्या, वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ सी, पहला एटलीस्ट 1.5-2 साल या 1.25 साल तक, पर 1.25 साल बाद हालात ये हो गए कि जिनी मेरी उत्थे मंथली सैलरी सी तकरीबन इतने 10-12 दिन का मेरा चैक भी वो बराबर क्रॉस कर जाता सी, मतलब मेरा मंथली चैक 2.5 गुना हो चुका सी। थैंक यू जी, पहले साल मैं मैनेजर रिट्रीट क्वालीफाई किया, जिन्हें जो भी इंसेंटिव्स मेरे सामने मैं A to Z उन्होंने लिस्ट बनाई और डिसाइड किया कि मैं सारे क्वालीफाई करने ने, और क्वालीफाई करने के लिए सर ने भी दसिया कि मंत्र एक ही है कि पहली चीज़ तुहाडे दिमाग च बैठ जाना चाहिए कि मैं क्वालीफाई करना है, और दूजी चीज़ जिहड़ी है वो सानू बचपन तो सिखाई जाती है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सैस, द ओनली की इज़ योर हार्डवर्क। कई बार असी हार्डवर्क नहीं करते और दोष दें अपलाइन नू, दोष दें ट्रेनिंग्स नू, दोष दें सिस्टम नू या कंपनी नू या प्रोडक्ट नू, कमी एक चीज़ दी हुंदी है, कंपनी सारे लिए सेम है, पूरे वर्ल्ड दे विच सेम है, प्रोडक्ट सेम मिलता जी, आपां नू मेड इन अमेरिका जैल मिलती है,
किसी लोकल तो नहीं कि किसी चंडीगढ़ की मिल रही किसी वो दी अगर प्रोडक्ट तो सारे 100% सेम मिल रहा आई गारंटी आई बैट तुसी रिजल्ट भी 100% सेम ले सकते हो सिर्फ तुहाडी कमिटमेंट और सोच के उपर डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म सारे के लिए सेम है मैं अगे अगे चलता गया मैं कार प्लान इतने जिदा मैं देखा मैं ड्रीम बनाया कि मैं भी कार प्लान लाँगा कार प्लान लैवल 1 कार प्लान लैवल 2 कार प्लान लैवल 3 प्रॉफिट शेयर हर साल कंटीन्यूअसली लेंदे लेंदे और दो बार मैं प्रॉफिट शेयर लैवल 2 भी क्वालीफाई कर चुका और अज मैं सर का जो ड्रीम है 99% ड्रीम सर के पूरे हो चुके हैं सर ने पूरे इंडिया की लाइफ चेंज कर दी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हाँ सर तुहाडा तुसी पूरे इंडिया नू जो दिता है शायद कई लोग हाले उन्हें फील नहीं कर पाए बट जो तुहाडी लाइफ चेंज होएगी जो तुसी प्रोडक्ट्स यूज करोगे तुहाडे मुँह चो एक आवाज निकल दी कि वाओ प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट उदो फिर याद आता कि प्रोडक्ट लैके कौन आया एक इंसान जिन्होंने 15 साल पहले यह डिसीजन लिया कि इंडिया नू इन्हां प्रोडक्ट्स की लोड़ है इंडिया दे विच मैनू लोकां नू जाके अवेयर करन दी लोड़ है सर 15 साल पहले डिसीजन लैके आए शायद वो टाइम सब तो टफ सी वो डिसीजन सब तो टफ सी आपदी फैमिली आपदा सारा कुछ छड़ के मैं सर दे इंग्लैंड वाले घर दे विच भी जाके आया इन्ना रॉयल लाइफस्टाइल इन्नी जबरदस्त मतलब इदां दा विला शायद लोकां दा ड्रीम भी नहीं हो सकदा क्योंकि इन्ना वड्डा विला इन्ना वड्डा लॉन देख के बंदे कहिंदे नहीं इन्ना वड्डा तां ड्रीम भी नहीं आपां लै सकदे ये तो पूरा ही नहीं हो सकता सो इदा की ड्रीम लाइफ छड़ के अगर इंडिया के लिए सर 15 साल पहले इतने आए और 15 साल के सर ने बहुत सारिया ट्रेनिंग दित्तियां बनाते रहे अज तक बंदियां जा रही डे बाय डे इंप्रूव होंदे जा रहे हैं वो सारे सिस्टम्स के चलते असी सारे चेंज हो रहे हैं साड़ी लाइफ चेंज हो रही है सानू प्रोडक्ट्स मिले सानू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली सो सब तो ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए सानू सब नू सर दा सो सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए है तुहाडे कोल मौका है सर दा थैंक्स करन दे लई जोरदार क्लैपिंग क्या बात है जी सो बच्चों का एक ड्रीम ज्यादातर का होंगे ही है कि आपके पेरेंट्स का सुपना पूरा करना होंगे जी और जिदा नहीं है जरूर बना लो क्योंकि साडा जिहड़ा पहला फर्ज है ना हर रिलीजियस बुक के लिखा कि सब तो पहली जी सेवा है उस परमात्मा तो भी अगर तुम रखो पेरेंट्स को पेरेंट्स की सब तो पहले सेवा करो सो फॉर एवर के जो साडे पेरेंट्स ने वह भी सर उन्होंने जो दसिया कि मेरे 99% ड्रीम पूरे हो चुके ने 1% थोड़ा बहुत जड़े रहिंदे ने और वो आपा पूरे करांगे साडा फर्ज बनता कि नहीं सो ऐतकी आपा सर नू कमिटमेंट करिए कि आपा जिदा सर कह रहे हैं कि 5000 सीसी करके पहुंचांगे फॉरन कौन कौन पहुंचेगा क्या बात है मजा आ गया इन्ने हाथ जोरदार क्लैपिंग कर सकते आपा आपके लिए सारे थैंक यू जी इंडिया ने नंबर 1 होना ही होना तुसी आपदा डिसाइड करो कि तुसी कित्थे पहुंचना इंडिया विल बी नंबर 1 वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा उहदे लिए आपां सब तो तगड़ा रोल निभा सकते हैं मैं चाहना कि मोहाली जिहड़ा ना उहदा जिहड़ा रोल है ना इंडिया नू नंबर 1 बनाने च सब तो वड्डा होवे आर यू विद मी चक दांगे फट्टे माण होएगा ना फिर आपां सारयां नू भी कि असीं बहुत वड्डा कंट्रीब्यूट करदे आं असीं एफर्ट कीते असीं हार्डवर्क कीता और अज FLP नंबर 1 है वर्ल्ड च होएगा जी जोर लावांगे पूरा क्या बात है सो दोस्तों मेहनत करते जाओ मेहनत का मुल हमेशा मिलता हर ग्रंथ के विच लिखा कि परमात्मा तुहाडे हर एक्शन नू वॉच कर रहा है इत्थे मैं तुहानू एक लर्निंग होर जरूर देनी चाहवांगा मैं जिहनू आपदी सक्सैस दा राज समझदा वो यह है कि पेरेंट्स ने यो सिखाया कि हर टाइम एक एक परसन को डरना और वो परसन का नाम है वह परमात्मा वह अकाल पुरख वह वाहेगुरु वह खुदा वह भगवान वह सारा एक ही है असी सारे वो बच्चे हाँ जिदे मन च वह डर है वो लाइफ च कदे गलत सोच भी नहीं सकता जो तुसी ये करते हो तो तुहाडा हर काम की हुंदा नेक हर काम की हुंदा सेवा थैंक यू जी कई कई सिचुएशन च मे बी तुसी किसी का भला नहीं कर सकते शायद पर बुरा करना तो पाप हो जाता ना सो जो असी इत्थे आए हैं ना बड़ी चंगी बड़ी नेक सोच नाल आईए और इको सोच नाल आईए कि असी अगे वधना असी FLP नू अगे वधाना और सारयां ने मिलके अगे वधाना जो तुसी इदां सोचोगे यकीन मनो परमात्मा तुहाडे नाल उतर आएगा तुहाडे हर काम च नाल चलेगा ते सक्सैस तुहाडे कदमां च होएगी क्योंकि परमात्मा तुहाडे नाल है तुहाडी सच्ची सोच तुहाडी सच्ची मेहनत तुहाडी सच्ची लगन ही सफलता दा राज हुंदी है होर कोई अगर आप कही कि पता नहीं की शॉर्टकट है दुनिया च कोई शॉर्टकट नहीं है साढ़े सारे धर्म ग्रंथा च लिखा कि जो साड़ी सोच चंगी
ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੋਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਸਫਾਇਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੈੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਲਾਸ ਵੇਗਸ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਰੋਮ, ਇਟਲੀ, ਪੈਰਿਸ, ਸਰਦੀਨੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ, 17-18 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17-18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 5000 ਡਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਪਲੱਸ CC, ਔਰ ਉਹ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, 15000-20000 CC ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਬੋਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੋਟਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬੋਟਲ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਆਟੋ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਟੀਡੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਖਰੀਦਣੀ ਔਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਪਕੜਨੀ, ਆਪਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ 2 ਹਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰ 5 ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ, ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓਜ਼, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਇੰਡੀਆ, FLP ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਇੰਨਾ ਸੁਪਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟਾਫ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ FLP ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ FLP ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਇੰਡੀਆ FLP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਫੱਟੇ ਛੱਕ ਦਈਏ, ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ FLP ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ,
तगड़े होके अगे वधांगे। थैंक यू सो मच जी, बेस्ट ऑफ लक जी, जल्दी मिलते हैं जी।